हाँ जी, एसके इलेक्ट्रिक चैनल रायपुरा में आपका स्वागत है जी। आज हमारे पास आया जी एक 14 इंच का सैमसंग का टीवी। ये देखिए जी, हीटरन मॉडल है जी, हीटरन लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो आइए इसको ऑन करके देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है और कैसे इसको रिपेयर किया जाएगा जी। तो सबसे पहले हमने जो सप्लाई दी इसमें, तो ये देखिए इसमें पिक्चर नहीं आ रही पूरी ब्लू, और इसमें लाइनिंग सी आ रही है थोड़ी सी। ये देखिए ये ऑन तो हो गया है, ये देखिए इसमें वाइट लाइनिंग आ रही है। ये खुले में आपको नजर नहीं आ रहा होना, इसके लिए हम इसको अंदर चला के देखते हैं। ये देखिए अब स्क्रीन अच्छी तरह दिख रही है, और इसमें देखिए जो वाइट सी लाइनिंग आ रही है, हम इस पर ऑडियो वीडियो लगा के दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए हमने इस पर जो फ्री वाला बॉक्स है वो लगा दिया है जी। अब देखिए सेंटर में नो सिग्नल लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, साफ नहीं दिखाई दे रहा। तो सबसे पहले इसको ओपन करके देखते हैं जी इसमें क्या फॉल्ट है। तो ये देखिए काफ़ी समय के बाद खुला है ये टीवी। तकरीबन कस्टमर का कहना है कि 5 से 6 साल हो गए, उसके बाद ये ख़राब नहीं हुआ कभी भी। तो इसमें देखिए गंदगी वगैरह कितनी है, मिट्टी धूल वगैरह जमी हुई है इसमें। तो सबसे पहले इसी को क्लियर करते हैं जी, फिर देखते हैं फॉल्ट क्या है इसमें। ये देखिए 180 वोल्ट वाले कैपेसिटर तो ठीक है इसके, तकरीबन ये फॉल्ट इसी 180 वोल्ट का ही होता है जी। कई बार इसके कैपेसिटर फूलने से ये फॉल्ट आ जाता है। तो ये देखिए एक ब्रश लेके इसको साफ कर लेना है अच्छी तरह। आधे फॉल्ट तो टीवी में इस धूल की वजह से ही बन जाते हैं। तो ये देखिए किट अपनी क्लियर हो गई है जी। तो इसमें जो हमने देखा, तो इसका जो वर्टिकल के साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है 470 35 वोल्ट का, वो भी फुला हुआ था। एक इस पर ये पीछा लगा हुआ है 1035 का कैपेसिटर, ये भी ख़राब था जी। तो सबसे पहले तो इसका जो सप्लाई थी वो भी ख़राब थी जी, वो भी पूरी नहीं बन रही थी। उसकी जगह हमने वो चाइना वाली सप्लाई लगा दी है। 180 वाले कैपेसिटर भी ठीक है, बेस भी चेंज कर दी, ये कैपेसिटर भी दोनों नए डाल दिए जी। लेकिन इसमें फॉल्ट जो मामूली सा ही फॉल्ट था, इसमें एक ABL वाली रेजिस्टेंस है ये वाली, ये देखिए ये अंदर से कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी इसकी, यानी ये रेजिस्टेंस ही ख़राब थी। आपको अंदर भी दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लगी हुई थी ये हमने ओपन कर दिया अंदर से, और बाहर से जो नई रेजिस्टेंस हमने लगा दी है ABL की। तो सप्लाई भी हमने अच्छी तरह कस ली है इसकी, टीवी में फिटिंग भी हो चुकी है। अब इसको चला के देखते हैं जी। तो टीवी में सप्लाई आ चुकी है जी। तो अब ये देखिए हमारी जो ब्लू स्क्रीन बिल्कुल अच्छी तरह आ चुकी है जी। अब इस पर ऑडियो वीडियो लगा के देखते हैं। तो ये देखिए पिक्चर हमारी क्लियर आ चुकी है जी। इस टीवी में बहुत ही ज़्यादा फॉल्ट थे धूल के कारण। इसके देखो जी बेस भी ख़राब थी, कैपेसिटर भी ख़राब थे, सप्लाई भी ख़राब थी जी, और एक जो रेजिस्टेंस है ABL की वो भी जली हुई थी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जी। प्लीज़ हमारे इस चैनल पे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें जी। थैंक यू जी।